कर्नाटक का किंग कौन, इस विशेष कवरेज में आज तक पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपको बता दे, राहुल गांधी या फिर मोदी की आंधी, आज सबकी नजर इसी पर बनी हुई है। और ये जो आंकड़े आप मेरे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये धीरे धीरे भागेंगे। अब से ठीक एक घंटे बाद 8 बजे पहला रुझान आना शुरू होगा और उसके बाद से तस्वीर साफ होती चली जाएगी। ये तय हो जाएगा कि राहुल गांधी का प्रभाव हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ है क्या या फिर नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत लेकिन इस वक्त क्या कह रहे हैं, आइए पहले आपको सुना देते हैं। राउंड वाइज रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग सबसे पहले शुरू होती है, उसमें सर्विस वोटर्स के इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट भी शामिल हैं। ये रिटर्निंग ऑफिसर टेबल पर की जाती है, उसके लिए भी काउंटिंग पर्सनल लगभग 888 लगाए गए हैं। इन सब व्यवस्थाओं के साथ राउंड वाइज जब काउंटिंग होगी तो उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो अनाउंस किए जाएंगे। एक पोलिंग स्टेशन रैंडमली सिलेक्ट करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसकी वीवीपैट स्लिप जो है, जब सारे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो उस समय वो काउंट की जाएंगी और उससे रिजल्ट का मिलान इलेक्ट्रॉनिक काउंट से किया जाएगा, तभी उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करके और काउंटिंग समाप्त की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूंसी के जितना साइज, मतलब जितने पोलिंग स्टेशन हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी की मतगणना कितने राउंड में ख़त्म होगी, क्योंकि एक राउंड के लिए 14 टेबल होती हैं, तो 14 के हिसाब से जितने पोलिंग स्टेशन होंगे उतने राउंड उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होंगे। सिक्योरिटी के लिए पूरी पक्की व्यवस्था की गई है, हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगी हुई है, काउंटिंग सेंटर्स पर भी पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था होगी, मैजिस्ट्रेट्स भी होंगे, हर तरह की व्यवस्था सिक्योरिटी के बारे में पूरी की गई है। काउंटिंग जो है 8 बजे शुरू होगी वहाँ पर, और चूंकि ये ईवीएम और वीवीपैट का सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट है तो बहुत ही जल्दी इससे रुझान आने लगते हैं और परिणाम भी बहुत जल्दी आने की संभावना बनी रहती है और एक ही दिन में सारा काम ख़त्म हो जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त खुद ये जानकारी देते हुए कि सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक की, जहां पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम दिख रहे हैं। ईवीएम और उसमें भी वीवीपैट ट्रेल के साथ इस बार सब कुछ किया जा रहा है। नतीजे बहुत जल्दी ही आएंगे। रुझान कम से कम 8 बजे से पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, जो बड़ी बातें उन्होंने बताई हैं। कुछ देर बाद ही पहला रुझान आ जाएगा। जानकारी आते ही सबसे पहले आप ये आंकड़े बढ़ते हुए आज तक पर देखेंगे, तो नजर गड़ा के रखिए आज तक के टेलीविजन स्क्रीन पर। 2641 उम्मीदवारों की किस्मत तय होनी है। 56,000 पुलिसकर्मियों की निगरानी में ये गिनती हो रही है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम उन्होंने बताया, जिसके जरिए जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो भी वहां पर बताया जाएगा। पत्रकार मौजूद है। आजकल वैसे भी जैसे भी आप सड़क पर किसी से मिलिए तो जनता पत्रकारों से भी एक ही सवाल दागती है कि कर्नाटक में कौन जीत रहा है। हर कोई अपनी अटकलें लगाता रहा है, लेकिन आज नतीजों का दिन है। पार्टियों के लिए कयामत की रात बीती है, आज नतीजों की सुबह आ गई है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। मनीषा प्रेम जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि लगातार इस कवरेज में हमारे साथ रहे हैं, नलिनी सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस पूरी चर्चा में शामिल होंगी। किसके नजरिए से क्या तस्वीर बन रही है, क्या राहुल गांधी जरा सा पैर कहीं पर अटका पाएंगे अपना भारत की राजनीति में, ये कर्नाटक से तय होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जादू क्या आज भी जिंदा है इस देश में, ये कर्नाटक से तय होगा। जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, जो जेडीएस के कुमारस्वामी हैं, देवगौड़ा हैं, क्या उनका जरा सा भी असर अब चलता है, ये सब कुछ तय होगा कर्नाटक की राजनीति से। ये 4-6 तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं। ये आखिरी तस्वीर देखिए, कानपुर से आई है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर की आरती की जा रही है। उससे पहले की तस्वीर में देवगौड़ा क्या दिखाएंगे दम, क्योंकि याद रखिए अगर त्रिशंकु विधानसभा की सूरत बनती है तो फिर सबकी नजर देवगौड़ा और कुमारस्वामी पर चली जाएगी। देवगौड़ा हासन में है अपने क्षेत्र में, बेटे उनके बेंगलुरु में बताए जा रहे हैं। बीती रात तक तो हालांकि सिंगापुर में थे लेकिन अब लौटे हैं। इधर शाह की चाल क्या होगी कामयाब, जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को बांटने का दाव चला था लिंगायत कार्ड पर कांग्रेस के, और उसके बाद ऊपर की 3 तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। ये वाली तस्वीर देखिए कानपुर से आई है, तो बीजेपी तो केंद्रित है पूरी तरह से इसी तस्वीर पर।
तभी 21 रैलियां प्रधानमंत्री की कराई गईं, 30 अमित शाह ने की जो बड़े दिनों से वहां डेरा डाले हुए थे, 30 राहुल गांधी ने की, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की 21 रैलियां। अब ये चर्चा का विषय है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी जब नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री थे तो क्या उसका भी असर सीधे कर्नाटक पर पड़ रहा था। लेकिन ये तय है कि इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह सुबह ये बता रहे हैं कि 2019 और उसकी लड़ाई भी शामिल है कर्नाटक में। तो अब की बार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार, ऐसे प्लाकार्ड वो हाथ में पकड़े पूजा कर रहे हैं। मंगलवार का दिन है और आलोक जी ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। अब तो कुछ देर का इंतजार है, ये आंकड़े भागने शुरू होंगे, रुझान तस्वीर सब कुछ साफ हो जाएगी, लेकिन इससे पता चलता है कि कैसे दोनों के लिए आर पार है, मतलब मैजिक बरकरार है या नहीं, ये इनको साबित करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पहला है चुनावी मैदान में आ रही है। हाँ। और उस तरह से उनके भविष्य का भी तय हो जाएगा, एक तरह भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती है उनके अलावा कुछ है नहीं। इसी तरह से मोदी जी का जादू जो बराबर चला है, क्या उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कर्नाटक दक्षिण भारत, जहाँ पहले उनके आने से पहले भी किसी तरह से बीजेपी जीत जाती थी, क्या इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। और दूसरा, जातिगत समीकरण, पहली बार लिंगायत, मतलब इस वैसे देखा जाए पटेल गुजरात में भी किया गया, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जातिगत राजनीति पर आ गई और बीजेपी पहली बार हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार एक घोषित रूप से कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर जीतेंगे, हम जाति के समीकरण में नहीं जाएंगे, लिंगायत और किसी उसमें उससे हमें डरने वाले नहीं हैं, अल्पसंख्यकों के साथ उनसे वास्ता रख करके भी हिंदुत्व तो हमारा एजेंडा होगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा ही निर्णायक मोड़ सामने आ रहा है। नलिनी जी, क्या क्या कर्नाटक को हम देख सकते हैं ऐसे कि जाति वर्सेस धर्म की, क्योंकि हमेशा ये आरोप लगता है कि बीजेपी धर्म की पॉलिटिक्स करती है, चाहते हैं सारे हिंदू एकजुट हो जाएं, और कांग्रेस ये चाहती है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांटकर जाति के आधार पर अपनी तरफ खींचा जाए। इस बार अंजना यूं लग रहा है कि कर्नाटक को, कर्नाटक ने कास्ट नाटक बोला जा रहा है, कास्ट नाटका, तो यानी कि इस वक्त इस बार जाति ही हावी हुई है। धर्म को, धर्म का तो जो जो मुस्लिम समुदाय है उसका तो समीकरण पहले से ही मालूम है लोगों को कांग्रेस का, लेकिन इस बार जो सबसे जो ये सिलिकॉन वैली, क्या इसके बारे में मालूम है लोगों को कि इतनी ज़्यादा तरक्की पसंद ये प्रदेश है और ये साउथ का एक इतना ज़्यादा अहम एक जगह है। देखिए कौन कौन से इसके जो बाकी प्रदेश हैं और तटीय इलाके, इसके कितने प्रदेश इसके साथ सटे हुए हैं, महाराष्ट्र गोवा वगैरह से लेकर के यहाँ तेलंगाना आंध्र। तो मेरा ये कहना है कि इस बार जो कास्ट जो इसके ऊपर हावी हुई है, तो लोग ये समझने लगे हैं कि ये बहुत एक अजीबोगरीब चीज़ हो गई है ये कास्ट की, क्योंकि इस बार जो अगर लिंगायत के भी 2-3% कांग्रेस ले लेती है, क्योंकि और या बीजेपी से बिछुड़ जाते हैं तो फिर तस्वीर बदल जाती है। तो मुझे लगता है सिर्फ 3 समीकरण आप कह सकते हैं कास्ट के जो कि पक्के हो गए, वो है एक वोकल लेगा JDS के पास, दूसरा है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जाति हैं, भाजपा ने कहा है वो उसने ले ली हैं, फिर तीसरा आप कहेंगे कि जो मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस के पास है, और जो भाजपा के पास है समझती या तो सभी जातियां हैं उनके पास, लेकिन जो सबसे जो बात कह रहे थे उस दिन भी कि जो जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति का इस बार जाता है वोट जाता है वही पार्टी आगे निकलेगी, और इसमें अनुसूचित दलित में माडिगा जो लेफ्ट कहते हैं जो ज़्यादा अति साधनहीन है वो कहाँ जाते हैं। तो ये कहने का मतलब पूरा कास्ट पे चले गया है। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मनीषा प्रियम जी जल्दी से कमेंट आपसे, 72.13% वोटिंग, ये क्या कह रहा है, रिकॉर्ड वोटिंग। उससे पहले दानिश अली कुछ कह रहा है, आपको सुना दे। दलित थे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे वो खारगे साहब थे, तो दोनों दलित लीडरों को साइडलाइन कर दिया, और यहाँ तक कि सिद्धरमैया जी ने जो है उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया जी परमेश्वर को, तो वो उसको रिपेंट कर रहे हैं, वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं दलित विरोधी नहीं हूँ, इससे ज़्यादा उसमें कोई उसमें वजनदारी नहीं है। सर, एक कैबिनेट में सर बदलाव किया गया है, अरुण जेटली जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनको वित्त मंत्रालय से राहत दे करके पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय दिया गया है, वहीं स्मृति ईरानी को मंत्री पद छोड़ करके अब राजवर्धन सिंह राठौर होंगे आईएमए में।
मिनिस्टर। दानिशाली की बात हमने सुनाई मनीषा प्रियम जी, क्या दलित सीएम का जो कार्ड खेला है सिद्धारमैया ने उस पे रिझते हुए नजर आए जेडीएस के दानिशाली? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी कि हम इसे इस वक्त देख रहे हैं नेताओं की चालबाजी और बांट बकरे की राजनीति के नजरिए से। इसे अगर वोटों के नजरिए से देखा जाए तो आप देखेंगे कि चामुंडेश्वरी, जहां से कि जेडीएस भी बहुत दमखम रखता है, चामुंडेश्वरी के पहाड़ों पर एक ही धर्म निरपेक्ष बत्ती जो है भुकभुका रही है, और वो अभी कहती है निम्मा मता और कहता है नम्मा वचना, मतलब लोगों की बात बहुत ही आवश्यक है। और उनके अपने बहुत बड़े कवि पोएट लॉरिएट कर्नाटक के, कर्नाटक वाद के जननी बिल्कुल, वो कहते हैं चक्र चरंग के स्वागता, मतलब वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ व्हील्स, मतलब राजनीति भी धर्म निरपेक्षता भी। तो आज वो अनोखी कर्नाटक की जो एक खिचड़ी है बिसिबेला भात बताते हैं, वो आज हम खाएंगे और वो लोगों की बनाई हुई खिचड़ी हम खाएंगे, भले ही उस पर हम त्रिशंकु हो जाए तब तो भी खिचड़ी, फिर वही चक्र चरण के स्वागता उसी में हम तब तुम्हारे समझेंगे बन जाएंगे। साथ में मैं एक बात जोड़ूंगा, अल्पसंख्यक वोट के लिए कुमार स्वामी और देवगौड़ा लगातार ये कोशिश करते रहे कि कांग्रेस का वोट, इसलिए शुरू में जो मैसेज आया कि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं उसका गठबंधन है, वो बीजेपी की पार्टी टू है, बी है, कभी एस कहा गया, कभी तो राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि एस का मतलब है संघ, मैंने जेडीएस संघी। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों के वोट कांग्रेस की तरफ पूरी तरह जा पाए कि नहीं जा पाए, ये भी बड़ा फैसला इसके सामने आएगा। 13% मुस्लिम मतदाता है, वो एक मुश्त क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए, क्योंकि ये खबर फैल गई पूरी तरह से कि डील हो चुकी है बीजेपी और जेडीएस के बीच में, क्या कांग्रेस इसका फायदा उठा के इसी के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो लेट इवनिंग सर्ज हुआ था, यानी कि जो 4 बजे से लेकर 6, 6:30, 7 बजे तक जो आ गए बूथ में 6 बजे तक, तो उन्होंने तो वोटिंग की, तो 4 से 7 तक कौन आया, वो जो प्रतिशत बढ़ा वोट का वो 4 से 7 तक बढ़ा है। अब हम सब पहले आप ही लोग कह रहे थे कि कितना कम वोटिंग हो रहा है, और उसके बाद जाके 73%। अगर ये भाजपा का कहना है कि उस वक्त आए हैं जो आरएसएस के लोग थे, प्रचारक थे, वो जाकर वोट गिरवाए उन्होंने हमारे पक्ष में, कांग्रेस का कहना है कि मुसलमान वोट और रूरल वोट यानी कि गांव के वोट पड़े हैं। तो अब ये सारा मसला इसमें, ये आखिरी के 2-3 घंटों में कौन पहुंचा वोट डालने के लिए, किस पार्टी के लिए, इस पर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये दावे धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो जाएंगे जब ये शून्य का आंकड़ा जो आप देख रहे हैं ये भागना शुरू होगा। ठीक 8 बजे पहले रुझान की शुरुआत होगी, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और तस्वीर धीरे धीरे देखते ही देखते साफ हो जाएगी। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मौसमी सिद्धारमैया के घर से है, कुमार स्वामी के घर से आशीष पांडे है, वांछू मिश्रा बीजेपी दफ्तर से है। लेकिन मौसमी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सिद्धारमैया अब तो आप भी इतना अच्छा कन्नड़ बोलने लगी है कि शुरू में पता नहीं क्या बोलिएगा, क्या समझना पड़ेगा, लेकिन दिलचस्प है कर्नाटक का ये चुनाव किस तरह से 19 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, और सिद्धारमैया के लिए बहुत कुछ दांव पर है, जेडीएस और उसी के साथ कैसे, ये श्रीरामलू की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, हम आपको तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं, आ रही हूं मैं मौसमी आपके पास, देखिए ताजा तस्वीरें श्रीरामलू, उस दिन भी वोटिंग के दिन अगर आपको याद हो तो सुबह सुबह गाय पर लेप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। इनका तरीका अनूठा है, ये अनूठा क्या इसको कहिए कि स्पष्ट है और सामने है, पूजा पाठ के जरिए अब ये एक बार फिर से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये शेड्यूल ट्राइब फेस भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। जब चुनाव चल रहे थे इसी दरमियान भाजपा ने बिरसा मुंडा की स्टैचू जो है वो नागपुर में स्थापित की है। हाँ। तो ट्राइबल वोट्स भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, और श्रीरामुलु का चेहरा जो है वो ट्राइबल और हिंदू दोनों इमेजेस को मर्ज करता है। पिछली बार येदियुरप्पा और श्रीरामुलु का नहीं होना बता रहा था कि 40 पर वो अटके, अगर ये लोग साथ रहते तो 90 तक वो जीत सकते थे। ये बताता है कि येदियुरप्पा और श्रीरामुलु का क्या प्रभाव है इस कर्नाटक में, 40 पर पहुंच गए थे 2013 में, अगर ये दोनों साथ रहते तो 90 तक आने की उम्मीद थी, ऐसा आंकड़े बताते हैं। हमारे साथ मौसमी एक बार फिर से जुड़ गई हैं, ये तस्वीरें दिखाते रहिए, जो सुरक्षा की तस्वीरें आ रही हैं, पूजा पाठ की तस्वीरें आ रही हैं। मौसमी, वहां पर क्या हो रहा है, पूजा पाठ या फिर एक डर है अंदर अंदर, क्योंकि बीते दिन से ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी भी अब समझ रही है कि स्पष्ट बहुमत नहीं, त्रिशंकु की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी हाँ अंजना, श्री रामलू साहब की आपने फोटो दिखाई तो उसको कर्नाटक का सियासी
नाटक कह लीजिए या कर्नाटक का किस्सा कह लीजिए, बहरहाल मुझे याद दिलाता है पोलिंग डे की, जब भाजपा के तमाम नेता सुबह सुबह निकल पड़े थे तड़क के मंदिरों के दर्शन के लिए, और सिद्धरमैया साहब हम उनके वहाँ थे मैसूरू में, तो वो निकले थे बड़े स्टाइल से 12:15 बजे, और उन्होंने बोला था कि भगवान तो दिल में होता है, भगवान के लिए मंदिर नहीं जाने की ज़रूरत है। हालांकि वो खुद राहुल गांधी के साथ कई मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं, तो आप समझ रहे हैं क्या उठा पटक कर्नाटक की इस पूरे सियासी घमासान में चल रही है। सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, सिद्धरमैया के घर के बाहर अब सुरक्षा का जो तांता है, सुरक्षा कर्मियों का तांता वो बढ़ गया है, गाड़ियों की सुगबुगाहट है, सुबह की हलचल है। हालांकि सड़क पे देखिए तो सन्नाटा पसरा हुआ है, पेड़ों में फूल खिल रहे हैं, और मौसम जो है उसका भी मिजाज कुछ अलग ही है। पोलिंग डे के दिन भी काफी बादल घिरे हुए थे और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारी बारिश होगी। अब सियासी बारिश जो है वो किस करवट बैठती है ये देखना होगा, पर आपको बता दें कि यहाँ पे कुमार स्वामी है वो भी वापस आ गए हैं, सिद्धरमैया यहाँ पे हैं, बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत उनसे मिलने कुछ ही देर में आएंगे। बगल में ही उनका होटल है जहाँ पे आजाद रुके हैं, तो कल रात को 3 घंटे कांग्रेस की बंद कमरे में मुलाकात चली है सिद्धरमैया के घर पे, और 3 घंटे विचार विमर्श हुआ है प्लान बी प्लान सी पे। हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे 111 सीटें बता रहा है, पर जैसे कि आपने बताया था कि परमेश्वरा साहब ने दलित सीएम का शिगुफा छोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं जेडीएस को बताने की कोशिश है कि हम भी एक ऑप्शन है ना सिर्फ भाजपा। और जाहिर तौर पे ये जो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन है, माइनस और एडिशन है, अंजना आपके पास तस्वीरें नजर आ रही है, ताजा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं कैसे काउंटिंग सेंटर पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है, और आप देख रहे हैं हॉल के अंदर जो एक्टिविटी है उसकी भी तस्वीरें हैं। ये बेंगलुरु की तस्वीरें हैं, और बेंगलुरु की बात की भी थी मनीषा जी ने और नलिनी जी ने, जिस पर मैं आना चाहूंगी, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल स्निफर डॉग्स आप देख रहे हैं किस तरह के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जो कि हर बार काउंटिंग सेंटर पर इसी तरह से किया जाता है, और ऐसा ही कुछ कर्नाटक में भी आप देख रहे हैं। बेंगलुरु की ये तस्वीरें हैं, और एक तरफ जरा श्री रामलु जी की भी तस्वीरें दिखाइए। इन तस्वीरों को देखने का तरीका हिमांशु दो हो सकता है, एक तो वही कि हिंदुत्व की अपनी छवि को ज्यादा से ज्यादा सामने किया जाए, क्योंकि काउंटिंग और वोटिंग डे के दिन कैमरा लगे होते हैं, घरों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हिमांशु एक तरीका श्री रामलू की अब तस्वीरें जरा से दिखाइए, जहां वो पूजा पाठ कर रहे हैं। श्री रामलू की ये तस्वीरें देखने का हिमांशु एक तरीका ये भी हो सकता है कि भगवान तुम्हारा ही भरोसा। देखिए बिल्कुल, अगर कहा जाए तो श्री रामलू एक बहुत मजबूत प्लेयर है बीजेपी के लिए, क्योंकि जब वो पिछली बार 2013 के अंदर चुनाव लड़े थे तो 3% से थोड़ा सा ज़्यादा वोट उनकी पार्टी ने लिया था, तब बीजेपी बिखरी बिखरी सी थी, आज एकजुट होकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने समय रहते एक खबर जो है वो फ्लोट की थी ये कि श्री रामलू जो है डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो ट्राइबल वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए पहले ही बीजेपी ने जो है श्री रामलू को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रयोग किया था। दूसरी तरफ जो है रेड्डी, क्योंकि बेलारी के अंदर रेड्डी बंधुओं का एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि उनका स्टेक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने रेड्डी बंधुओं के कहने पर कुछ टिकट भी बेलारी में दिए थे, और लेकिन रेड्डी बंधुओं से जो है दूरी भी बनाए रखी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक पूरी रणनीति जो है वो इस चुनाव में चली, और हर रणनीति का एक नया उन्होंने ये सोचकर किया कि कहीं ना कहीं इसका जो फायदा होगा वो कैसे लिया जा सकता है, और शायद इसीलिए बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है और श्री रामलू पूजा करते हुए दिख रहे हैं। और इसी तरीके से हिंदुत्व की जो बात आप कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ से लेकर अनंत हेगड़े ने वहां पर खुलकर कैंपेन किया, और जो बात वो कह सकते थे कांग्रेस के अगेंस्ट जाके वो उन्होंने कही है अपने वोटरों को लुभाने के लिए, राम मंदिर से लेकर तमाम तरीके की बात की। और अगर आप देखें तो अमित शाह 33 मठों में और मंदिरों में गए हैं कर्नाटक के, जो बड़ा एक सांकेतिक तौर पर बीजेपी ने जो है ये कह सकते हैं कि अपने वोटर्स में ये बात संदेश दिया कि उनका एजेंडा क्या है हिंदुत्व का। बिल्कुल, और फिलहाल तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बैलेट बॉक्स, जो जैसा कि चुनाव आयुक्त ने भी जानकारी दी थी, पहले जो बैलेट से वोटिंग होती है उसकी गिनती शुरू होती है, ऐसे पैकेट्स खोले जा रहे हैं और इन सब की गिनती शुरू हो रही है, जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, और बताया खुद चुनाव आयुक्त ने कि कैसे बहुत जल्दी ही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो रखिए नजर इस टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि सबसे तेज नतीजे आप आज तक पर देखेंगे। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, और आशीष आलोक जी भी यहाँ पर आते ही सबसे पहले यही कह रहे थे कि कुमारस्वामी जी लौटे देश,
हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ ऐसे सुपुत्रों में शामिल उनका नाम जो वोटिंग के बाद चले जाते हैं विदेश, सिंगापुर में थे, लौट गए, लेकिन उनको भी बस इस बात का इंतजार होगा कि त्रिशंकु विधानसभा अगर हुआ तभी हमारा कद होगा बड़ा। आशीष, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सबकी नजरें निगाहें जेडीएस के ऊपर है और जैसा आप बता रही थी कि श्री रामलू पूजा अर्चना करते नजर आए, जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, सेकंड इन कमान, सबसे बड़ा चेहरा हम कह सकते हैं, एक्टिव चेहरा जेडीएस का कुमारस्वामी भी बगल के ही जिला है मंडिया, वहां पर एक मंदिर में पहुंचे, काल भैरव की उपासना की, विदेश से लौटते ही काल भैरव की पूजा अर्चना करने के लिए वो मंडिया पहुंचते हैं, वहां पर काल भैरव की पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद से फिर से वो बैंगलोर की तरफ आए हैं, लेकिन उनको ट्रेस करना, उनको लोकेट करना भी मुश्किल है, हमें जो उनके आसपास के लोग हैं, वो पार्टी के लोग हैं या उनके पीए हैं, वो बता रहे हैं कि करीब 2 बजे के बाद जब रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी, तो वो मीडिया से मुखातिब होंगे। आलोक जी पूछना चाहते हैं, दिलचस्प है, आज ट्रेस नहीं कर पा रहा कोई कुमारस्वामी को, आलोक जी। आशीष, ये बताएं कि चूंकि इस चुनाव में पैसा बड़ा खर्च हुआ है और ये आप जिनकी बात कर रहे हैं कुमार स्वामी, सिंगापुर से कुछ अटैची वटैची लेके आए हैं या अटैची खाली करके आए हैं, और कुछ उस इलाके में अभी भी कुछ धन की माया दिख रही है, चूंकि प्रणाम जैसे शादी बारात के बाद होता है ना, सब भूल जाते हैं, धन की माया पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन आ रहा है जी, आइए आपको सुना देते हैं। Giving money rupees 5,000 and giving 50 rings to voters to vote for Congress. What do you say about this? No, yesterday I had been to the place of voting where the Congress candidate, he was distributing money. It was caught in the CC camera of the apartment, and the police have booked a case against one of the ex-cooperators who is the right hand of that Congress candidate, and even the Congress candidate himself was distributing rings. We have filed a complaint, and it is the responsibility of the returning officer to take action against those people. Yes. Thank you. 92.5 ये तस्वीरें भी देखिए दिलचस्प है, श्री रामलू की जो आ रही है ये बिल्लारी की तस्वीरें हैं, बिल्लारी में पूजा पाठ और किस तरह से बहुत ही बड़े पैमाने पर एक पूजा पाठ वो करते हुए नजर आ रहे हैं, काल भैरव आपने बताया ताकि शत्रु का विनाश हो। 92.70 करोड़ रुपए बरामद किए गए, जेवर, शराब, कहा जा रहा है कि कर्नाटक के इस चुनाव में जबरदस्त तरीके से धन की ताकत का इस्तेमाल हुआ, और आलोक जी वही सवाल पूछ रहे हैं और बिल्लारी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सब बातें उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, श्री रामलू पूजा करते हुए दिख रहे हैं। 10,000 करोड़ खर्च हुए हैं इस कर्नाटक के इलेक्शन में, ये आंकड़ा आशीष को पता है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर हम कर्नाटक चुनाव की बात करें, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था और पॉलिटिकल लीडर से भी बात कर रहा था, उनका कहना है कि ये अब तक का कर्नाटक का सबसे महंगा चुनाव है, इसमें खुलकर पैसा बहा है, चुनाव आयोग ने बड़ी सख्ती बरती, उन्होंने कुछ पैसे बरामद किए, करीब करीब 100 करोड़ के करीब की उन्होंने ब्लैक मनी जो चुनाव के लिए यूज़ होनी थी, उपयोग होना था, उनको कई जगहों से बरामद किया, लेकिन जो राजनीतिक तबका ही मानता है, पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि ये एक तरीके से सबसे बड़ा और सबसे महंगा चुनाव था, और तीनों पार्टियां, अगर हम जेडीएस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तीनों पार्टियों के लिए ये एक नाक की लड़ाई बन चुका है, तीनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ इसको एक राज्य का चुनाव की तरह नहीं देख रही हैं, दोनों नेशनल पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी इसको 2019 के हिसाब से देख रही हैं, जेडीएस भी, इंटरेस्टिंगली हम बात करें तो जेडीएस भी इसको 2019 की तैयारी के तरीके से देखती है, जेडीएस का पूरा फैसला, जेडीएस क्या करने वाली है, किसके साथ जाने वाली है, वो भी 2019 को दिमाग में रखकर अपने उसके हिसाब से वो प्लान बनाएगी, ये हमें जेडीएस के सूत्र शुरुआत से ही बता रहे हैं। 2019 में अगर कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दल जो एक गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने की में सफल होते हैं, तो जाहिर तौर पर जेडीएस भी वो जो केक है या जो
उसमें अपना शेयर चाहेगी, अपने अपना हिस्सेदारी की कोशिश करेगी। जेडीएस के मुखिया हैं, पूर्व प्रधानमंत्री करीब 85 साल के हो चुके हैं एचडी देवेगौड़ा, वो भी दोबारा से राजनीति में नेशनल या देश की राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक ऐसा सिचुएशन, ऐसी हालात बन सकते हैं 2019 में, जहां उनको दोबारा से दिल्ली जाने का मौका मिल सकता है। अगर वो दिल्ली से लेकर शराब, ठीक है, वहां से चर्चा की शुरुआत हुई थी, लेकिन आपने बताया कि इसी के साथ कैसे हाई रिस्क चुनाव है। मनीषा जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें, खुद मुख्यमंत्री दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीरामुलु की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बादामी में श्रीरामुलु बीजेपी के सीधी चुनौती दे रहे हैं सिद्धारमैया को। चामुंडेश्वरी से भी सिद्धारमैया लड़ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या परेशानी हो गई है कि तमाम मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेताओं को दो जगह से चुनाव लड़ना पड़ रहा है? और इसी के साथ ये नतीजे जो आप फिलहाल शून्य पर देख रहे हैं, रुझान आने शुरू होंगे अब से ठीक, कितना बज गया ये देखिए, 26 हो गया, अब से ठीक 30-35 मिनट बाद। बने रहिए आज तक के साथ, सबसे तेज नतीजे आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।